नमस्कार डीडीयूपी को परवाह है आपके स्वास्थ्य की हम लाए हैं सेहत आपकी दोस्तों आज जिस बीमारी के प्रति हम आपको जागरूक करने जा रहे हैं वो सोने के बाद उत्पन्न होती है और उठने से पहले ख़त्म हो जाती है और अक्सर इस बीमारी से ग्रसित लोगों को खुद इसके बारे में पता नहीं चल पाता हाँ जब वो सोकर उठते हैं तो उन्हें दूसरों से सुनना पड़ता है कि भाई आपके खर्राटों की वजह से आज हम सो नहीं पाए तब उसे लगता है कि क्या मैं खर्राटे लेता हूँ दोस्तों आपके मनपसंद कार्यक्रम सेहत आपकी में जो आज हम विषय लेकर आए हैं वो है बच्चों और बड़ों में खर्राटे की समस्या जी हाँ दर्शकों आजकल बड़ों के साथ साथ देखा जा रहा है कि बच्चों में भी खर्राटे की यानी कि स्नोरिंग की समस्या बढ़ रही है अगर आप भी इस समस्या से ग्रसित हैं तो घबराइए मत आज हम आपकी बात करवाएंगे अपने विशेषज्ञ से जो आपको बताएंगे कि खर्राटे क्यों आते हैं और कैसे आप इसको अपने जीवन से दूर कर सकते हैं उसके लिए आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट जो कि हैं डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव ईएनटी e स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद जीतेश जी खर्राटे क्या हैं और बच्चों और बड़ों में आखिर खर्राटे आते क्यों हैं ये जानने के लिए आइए चलते हैं डॉक्टर के साथ खराटे की अगर परिभाषा देखी जाए तो खराटा जो है वो सांस नली का जो ऊपरी हिस्सा होता है ऊपरी हिस्सा मतलब नाक नाक के पीछे का हिस्सा जीप के पीछे का हिस्सा और तालू के पीछे का हिस्सा उसके कंपन से जो आवाज निकलती है जब आदमी सोता है उस टाइम में उस आवाज़ को हम लोग स्नोरिंग कहते हैं या खराटे कहते हैं बच्चों और बड़ों में जो कारण होते हैं वो भिन्न होते हैं बच्चों में जो मुख्य कारण होते हैं वो नाक के पीछे ग्रंथी होती है उसके बड़े हो जाने की वजह से जिसको एडोनॉइड कहते हैं और टॉन्सिल का बड़ा होना ये मुख्य कारण होते हैं बाकी अन्य कारण भी हो सकते हैं बच्चों में जैसे नाक की हड्डी का टेढ़ा होना या नाक का स्ट्रक्चर गड़बड़ होना और जब जहाँ तक बड़ों की बात करें तो बड़ों में जो है वो जो मुख्य कारण होता है वो ओवरवेट या वजन वजन का ज़्यादा होना और उसकी वजह से आ, अन्य समस्याएं होना और एनाटॉमिकली देखें अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें नाक का हड्डी का टेढ़ापन होना नाक की हड्डी का फूल जाना आ, तालू का लंबा होना जीप के पीछे का हिस्सा शिथिल होना तालू का शिथिल होना कौए का लंबा होना ये मुख्य का कारण होते हैं बड़ों में जिसकी वजह से ये खराटे की समस्या होती है अच्छा डॉक्टर साहब क्या भारत के लोगों में खराटे की समस्या एक मुख्य समस्या है इस पर आपके क्या विचार हैं हमारे दर्शकों को बताएं खराटे की समस्या भारतवर्ष में आने वाले समय में बढ़ ही रही है क्योंकि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है शहरी विकास ज़्यादा हो रहा है और लोगों की लाइफ स्टाइल में परिवर्तन हो रहा है इसकी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं हम देख ही रहे हैं शहर में मोटापा मुख्य कारण हो रहा है और एट प्रेजेंट जो है जो हालत है उसके हिसाब से करीब करीब अर्बन पॉपुलेशन में इंडिया में करीब करीब 20 से आ, 30 प्रतिशत शहरी आदमी जो है वो खराटे लेता है जिसको हम लोग हैव्यूचुअल स्नोरर कहते हैं भाई हफ्ते में तीन दिन ये खराटे लेते ही हैं कुछ होते हैं जो ओकेजनल स्नोरर्स होते हैं जिसमें कभी कभी खराटे आते हैं तो और इससे रिलेटेड जो आ, हम लोग का हेल्थ बर्डन है वो भी बढ़ता जा रहा है बच्चों में देख ही रहे हैं कि जो आ, खराटे होते हैं बच्चे वो दिन में भी नींद में रहते हैं उनका मेमोरी भी कम होता है उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है द सेम इज़ विद एडल्ट आल्सो बड़ों में भी ऐसा ही होता है कि अगर आप खराटे ज़्यादा लेते हैं तो आपको दिन में भी नींद आती है आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस अफेक्टेड होता है अगर यही समस्या और बढ़ती जाती है तो जो अगला स्टेप होता है इस खराटे का वो एपनिया होता है कि सांस का रुकना और हार्ट पे लोड पड़ना नींद ना आना उलझन होना चिड़चिड़ापन होना तो ये इसका सोशल बर्डन बढ़ता जा रहा है समाज पे। अच्छा डॉक्टर साहब जाड़े में वायु प्रदूषण के कारण बच्चों में और बड़ों में सांस की समस्या बढ़ जाती है एलर्जी बढ़ जाती है तो क्या ये सही है कि ठंड के मौसम में खराटे की समस्या भी बढ़ जाती है खराटे की समस्या जाड़ों में बढ़ जाती है उसके मुख्य कारण यही है कि एक तो प्रदूषण जो है जैस दिवाली के बाद जैसे ही स्मॉक गिरना शुरू होता है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है जो हम लोग के चार मुख्य शहर हैं भारत के वहाँ पे प्रदूषण का लेवल बढ़ता है बच्चों में एलर्जी बढ़ती है बड़ों में भी एलर्जी बढ़ती है तो जब एलर्जी होती है तो नाक की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है ब्लड सप्लाई बढ़ती है नाक के छींके बहुत आती हैं ब्लॉकेज ज़्यादा होता है और खराटे की समस्या होती है दूसरा अन्य मुख्य कारण ये है कि ब्लड सप्लाई ओवरऑल विंटर्स में बढ़ जाती है नाक की तो जिससे कि और साइड की हड्डियाँ होती हैं वो भी फूल जाती हैं और नाक में ब्लॉकेज ज़्यादा होता है तो यही एक मुख्य कारण है कि विंटर में और प्रदूषण हम देख ही रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो विंटर में खराब हो जाती है डॉक्टर साहब यदि शरीर में खराटे की समस्या के दुष्प्रभावों की बात करें तो क्या ये बच्चों में और बड़ों में अलग अलग देखने को मिलते हैं दुष्प्रभावों की अगर बात करें बच्चों और बड़ों में तो बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं होता है क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म सीक्वेंस होते हैं वो यही होता है कि जैसे बच्चे अगर लंबे समय तक खराटे अगर लेते हैं आ, तो, आ, तो क्योंकि बच्चा मुंह खोल के सो रहा है तो बच्चे में जो बच्चे के जो दाँत का डेवलपमेंट है उस पर असर पड़ता है कि दाँत ऊपर जो दाँत होते हैं वो थोड़े से बाहर की तरफ निकल आते हैं तो आ, एक तो वो है शारीरिक परिवर्तन हो रहा है उसमें और बाकी जो सी जैसे जैसे बढ़ती है चाहे वो बड़ों में हो चाहे वो छोटे में हो जैसे कि डे टाइम स्लीपीनेस दिन में नींद आना और uh, याददाश्त का कम होना जैसे बच्चों में पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है क्योंकि uh, जैसे ऐसे एपनिया होगा जैसे जैसे बच्चा सांस लेने में जब सीवियटी बढ़ती है तो हम बोलते हैं एपनिया भी हो रहा है बच्चे में एपनिया का मतलब है कि ऑक्सीजन जब बच्चे को कम मिल रही है तो अवेकनिंग होती है बच्चे में सडन अवेकनिंग होती है बड़ों में भी आपने देखा होगा घराटे लेते वक्त आदमी एकदम से अवेक होता है फिर उसका फिर सो जाता है जबकि मरीज को नहीं मालूम होता है तो हार्ट पे लोड ज़्यादा पड़ता है तो पलमरी हाइपरटेंशन बच्चों में भी देखा गया है बड़ों में भी देखा गया है और इसीलिए बड़ों में देखा गया है कि दिन दिन में इसे खाना खाते हैं एकदम से नींद आने लगती है शरीर में अलग अलग एरिया में पेन होने लगता है क्योंकि माइलजिया होता है मसल में ऑक्सीजन की सप्लाई कम रहेगी तो बट नेचुरल थोड़ा बहुत टायर्डनेस uh, थकावट हमेशा रहती है और ओवरऑल परफॉर्मेंस आदमी का कम होने लगता है चाहे वो याददाश्त से रिलेटेड हो चाहे वो काम से रिलेटेड हो और वही उसकी पर्सनालिटी पे भी रिफ्लेक्ट करने लगता है धीमे धीमे जैसे चिड़चिड़ापन होना गुस्सा बाद बाद में आ जाना और ये uh, uh, सब रिलेटेड है सीवियरटी ऑफ़ डिजीज़ पे मतलब जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाएगी फ्रॉम सिंपल स्नोरिंग हैबिचुअल स्नोरिंग टू स्लीप एपनिया स्लीप एपनिया मतलब जब ऑक्सीजन मात्रा एकदम से कम होने लगेगी शरीर में अच्छा डॉक्टर साहब जिन लोगों का वजन ज़्यादा है और वो लोग जो शराब का सेवन करते हैं धूम्रपान करते हैं क्या इन लोगों में आम लोगों की अपेक्षा खराटे की समस्या अधिक देखने को मिलती है इस पर आप क्या कहेंगे ये एक अच्छा सवाल है जीते जी कि स्मोकर और जो लोग शराब का सेवन करते हैं उनमें यह समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है उसका मुख्य कारण ये है कि शराब पीने से के जो कॉजेज़ में देखेंगे तो शराब पीने से क्या होता है कि नाक की ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो जो साइड की हड्डियाँ होती हैं वो ज़्यादा फूलती हैं और ओवरऑल जो प्रभाव होता है अल्कोहल का वो थोड़ा सा मसल को कमज़ोर करता है तो इसीलिए तालू की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो शिथिल हो जाती हैं इंसान जब लेटता है शराब पी के तो उसका जो नाक का वो ब्लॉकेज होता है जो वो बढ़ जाता है और तालू भी जो है वो काफ़ी शिथिल हो जाता है पीछे की दीवार पे टच करने लगता है जिसकी वजह से कंपन और वाइब्रेशन ज़्यादा होता है स्नोरिंग बढ़ जाती है और दूसरी चीज़ है कि जो हम लोग नॉर्मली बताते हैं कि भाई खाना खाने के डेढ़ या दो घंटे बाद आपको सोना है शराब पीने के बाद आदमी तुरंत ही खाना खाया तुरंत ही लेट जाता है तो उसका भी असर अच्छा होता है और जो दूसरा कारण है वो स्मोकिंग है स्मोकिंग ओवरऑल जो है वो हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो सिगरेट है वो एक मुख्य कारण साइनोसाइटिस का भी है तो जब साइनोसाइटिस साइनस पे अफेक्ट होगा या नोज़ का नाक के स्ट्रक्चर पे अफेक्ट होगा तो नाक का जो नॉर्मल म्यूकोसिलरी जो हम लोग बोलते हैं कि जो म्यूकस का और जो क्लियरेंस है वो इम्प्रॉपर होगा तो ड्राइनेस होगी एक रस्टिंग होगी पपड़ी जमेगी और उनमें ब्लॉकेज जब होगा तो बट नेचुर वो खराटे की समस्या बढ़ेगी स्मोकर्स में तो यही दो मुख्य रीज़न हैं और ठंडक में हम देखते भी हैं लोग शराब का सेवन ज़्यादा करते हैं तो खराटे बढ़ जाते हैं और तीसरा ये है कि भाई जिनमें जिनका वज़न ज़्यादा है जिनका बॉडी मास इंडेक्स जैसे हम लोग कहते हैं तो उनमें ज़्यादा कार्डिक लोड भी रहता है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है जैसे हम देखते हैं कि मोटा जो आदमी है उसकी मोटी गर्दन और छोटी ज़्यादातर छोटी गर्दन होती है और डबल चिन होता है तो फैट भी वाइब्रेट करता है और डायफ्राम जो होता है जो लंग के नीचे वाली झिल्ली होती है उसका मोमेंट भी अफेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ ओवरवेट तो ओवरवेट वाला जो पेशेंट होगा उसमें ज़्यादा और जब भी हम लोग स्नोरिंग की बात करते हैं खराटे की बात करते हैं तो बॉडी मास इंडेक्स सबसे इंपॉर्टेंट है पतले आदमी को आप देखेंगे गांव के आदमी को कभी खराटे नहीं आते शहरी आदमी को हमेशा खराटे की समस्या रहती है क्योंकि उसका वजन ज़्यादा है दर्शकों जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम लोग के घरों में हीटर और ब्लोअर निकल आते हैं डॉक्टर साहब क्या हीटर और ब्लोअर का ज़्यादा इस्तेमाल खराटे की समस्या को और अधिक बढ़ाता है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि हीटर और ब्लोअर आजकल हम देख रहे हैं जैसे जैसे तापमान गिरता जाएगा तो लोग अपना रूम में ही हीटर लगा लेते हैं ड्राई हीटर हेलोजन वाले हीटर आते हैं और ब्लोअर uh, होते हैं ब्लोअर जो ड्राई हीट जनरेट करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम हीटर और ब्लोअर यूज़ करते हैं तो जो मॉइस्चर होता है एयर का वो ड्राई होने लगता है तो जब आप ड्राई एयर लेंगे तो ड्राई एयर से क्या होगा कि ड्राइनेस ज़्यादा होगी नाक में अपर एयर वे जिसको हम लोग कहते हैं नाक नाक के पीछे के हिस्से को गले को तो अपर एयर वे में डाइनर ज़्यादा होगी और जब डाइनर ज़्यादा होगी तो वो नाक का जो सीलियास होते हैं नाक के जो बाल होते हैं छोटे छोटे जो मूवमेंट करते हैं म्यूकस को वो हेम्पर्ड होता है इसका मूवमेंट तो नाक में पपड़ी ज़्यादा जमेगी पपड़ी ज़्यादा जमेगी तो नाक में ब्लॉकेज ज़्यादा होगा तो नॉर्मल फिजियोलॉजी को आप लोग डिस्टर्ब करते हैं जब आप डायर या हीटर यूज़ करते हैं तो इसीलिए कहा जाता है अगर आपको यूज़ करना ही है बहुत अर्जेंट है तो थोड़ा सा वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए रूम में ये नहीं कि रूम को पूरा तरह बंद कर दिया और हीटर और ब्लोअर चला दिया तो ये खराटे की समस्या को बढ़ाएगा कम करने की बजाय बढ़ाएगा और इसको काउंटर करने के लिए यह है कि वेंटिलेशन थोड़ा सा रहे रूम का एक पार्ट थोड़ा खुला रहे जिससे कि मॉइस्चर रहे एयर में और सेकंड ये है कि अगर आप हीटर जला रहे हैं तो उसके पास में एक एक कंटेनर रखें पानी का जिससे कि ह्यूमिडिफाइड एयर आए उसके द्वारा और तीसरा तरीका ये है कि आपके यहाँ अगर वो है नॉर्मल इलेक्ट्रिक स्टीमर है स्टीम जिससे लेते हैं भाप लेते हैं जिससे तो उसको बीच बीच में आप ऑन कर दिए जिससे कि जो स्टीम है वो आपके वातावरण में रहे रूम के अंदर रहे और ड्राइनेस ना हो डॉक्टर साहब यदि कोई इंसान अपने खराटे की समस्या से परेशान है और वो अपना शारीरिक परीक्षण करवाना चाहता है तो उसे कौन कौन से टेस्ट करवाने होंगे ये हमारे दर्शकों को बताएं। आ, खराटे के लिए अगर देखा जाए तो खराटा जो है पूरे शरीर को ही अफेक्ट करता है एक तरीके से देखा जाए और वो जैसे मैंने शुरू में कहा कि सीवीआरटी पर डिपेंड करता है तो नॉर्मल जो जनरल फिजिशन होता है या कार्डियोलॉजिस्ट होता है या सीधे अगर पेशेंट किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है तो नॉर्मल चेकअप तो होना ही चाहिए ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ ये सब टेस्ट तो होते ही हैं क्योंकि जैसे जैसे खराटे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये समस्याएँ भी इंटर रिलेटेड होती हैं हाइपरटेंशन रिलेटेड विद स्नोरिंग हाइपरटेंशन रिलेटेड विद डायबिटीज़ तो ओवरऑल लिपिड जो होता है हम लोग लिपिड uh, के टेस्ट होते हैं प्रोफाइल देखते हैं पेशेंट का तो ये तो जनरल टेस्ट हो गए जो कि ज़रूरी है कि स्नोरिंग वाले पेशेंट में बाकी जनरल चेकअप जो है पेशेंट को जाके एंटी सर्जन से मिलना चाहिए ये जो कान नाक गला रोग विशेषज्ञ है उसे जाके कंसल्ट करना चाहिए वो एक बार देख के बताता है कि हाँ वास्तव में समस्या कहाँ किस लेवल पे है कि सिंगल लेवल ब्लॉकेज है या मल्टी लेवल ब्लॉकेज है सिंगल लेवल का मतलब है कि या नाक के लेवल ब्लॉकेज है या तालू के लेवल ब्लॉकेज है या जीप के पीछे के हिस्से के लेवल में ब्लॉकेज है फिर आता है स्पेसिफिक टेस्ट स्पेसिफिक टेस्ट में हम लोग करते हैं कि अगर अपनिया भी हो रहा है मरीज में अगर उसके अटेंडेंट बताते हैं या पार्टनर बताता है कि भाई हाँ ये तो सब सांस रात में सांस लेते वक्त एकदम से इनकी सांस रुक जाती है तो इसमें हम लोग पॉलीसोमनोग्राफी एक टेस्ट होता है आ, स्लीप टेस्ट बोलते हैं अलग अलग तरीके से होता है हॉस्पिटल में भर्ती करके भी होता है घर पे भी होता है होम स्लीप टेस्ट तो पीएसजी जिसको हम लोग कहते हैं तो पीएसजी फिर ज़रूरी हो जाता है फिर बाकी और स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जो ईएनटी सर्जन खुद करता है जैसे स्लीप एंडस्कोपी होती है कि आर्टिफिशियल निद्रा दी जाती है उसके द्वारा देखा जाता है कि कहाँ कहाँ ब्लॉकेज पेशेंट में है ये सब टेस्ट जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं तब कराए जाते हैं जब सीवियरिटी ज़्यादा होती है बाकी जनरल एग्जामिनेशन कान ना गला रोग विशेषज्ञ खुद करता है और वो आगे डिसाइड करता है कि क्या हमें आगे की प्लानिंग उसकी क्या होगी डॉक्टर साहब अब हम सबको ये बताइए कि खर्राटे का इलाज क्या है रोगी अपने जीवन शैली में किस तरह का बदलाव करे कोई एंटी स्नोरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करे या फिर सर्जरी करवाए जिससे खर्राटा लेने वाला और उसके आसपास के लोग चैन की नींद सो सकें जहाँ तक उपचार की बात है जैसा मैंने बताया कि ये केवल एक स्पेशलिटी का सब्जेक्ट नहीं है कि एक स्पेशलिस्ट ही उसको डील करेगा क्योंकि इसमें टीम एफर्ट होता है डाइटिशन का भी रोल है कार्डियोलॉजिस्ट का भी रोल है डायबिटोलॉजिस्ट का भी रोल है ईएनटी सर्जन का भी रोल है डेंटिस्ट का भी रोल है क्योंकि काफ़ी स्नोरिंग की जो खराटे की समस्या होती है जो कि दांत की, की वजह से होती हैं अगर अगर जबड़ा अंदर की तरफ है तब भी खराटे आते हैं तो देखा जाए तो आ, अ, मेडिकल उपचार में डिवाइसेस में अगर देखा जाए कि क्या एंटी स्नोरिक डिवाइसेस होते हैं तो सच ये है कि खराटे के लिए परमोनोलॉज जो होता है जो चेस्ट का फिजिशन होता है वो आपको एडवाइस कर सकता है इसके लिए आ, सी पैप और बाई के लिए एक प्रकार की मशीन होती है जो पॉजिटिव प्रेशर रेस्परेशन देती है जिससे कि खराटे की समस्या से निदान मिलता है और पेशेंट को जो ओवरऑल सिम्टम्स हैं उसके डे टाइम नींद आना ये सब कम होने शुरू हो जाते हैं बाकी आ, सर्जिकल एस्पेक्ट ये होता है कि अगर सर्जरी एन e सर्जन सोचता है कि हाँ इसके करेक्शन से नाक की हड्डी के करेक्शन से कराटे कम होते हैं या आ, बच्चों में से एडोनॉइड निकालने से टॉन्सल निकालने से खराटे की समस्या निदान होता है ये एक सर्जिकल उपचार है बाकी तालू के विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन होते हैं जिसके द्वारा इस समस्या से निदान दिया जा सकता है जहाँ तक डेंटिस्टी की बात है डेंटल में जो डिफरेंट टाइप की प्रोसेसेस आती हैं जो कि दांत को फिक्स करने के लिए दांत को जबड़े को आगे करने के लिए खराटे में मददगार साबित होती हैं डॉक्टर साहब आप कार्यक्रम अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है तो हमारे दर्शकों को आप क्या हेल्थ टिप्स देना चाहेंगे जीते जी देखिए इस कोरोना काल में जो मुख्य संदेश मैं देना चाहूँगा वो यही है कि जीवन शैली में परिवर्तन करें और क्योंकि काफ़ी चीज़ें कोरोना ने हम लोग को सिखा दी है कि लाइफ स्टाइल में परिवर्तन ही जो है जीवन शैली में परिवर्तन ही सबसे इम्पॉर्टेंट है और जैसे हम लोग कहते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ तो जब तक आपकी हेल्थ नहीं तो ऐसे पैसा कमाने से ऐसा पैसा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है और जहाँ तक वेट रिडक्शन और ये सब चीज़ें हैं जीवन शैली का जो परिवर्तन है वो तो आपको करना ही है और इसके बावजूद अगर आपको समस्या लग रही है कि नहीं हो पा रहा है तो आप अपने स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट जो है जो आपके ई स्पेशलिस्ट हैं या आपको और समस्याएँ हैं शारीरिक और हमारे तो यही एक कामना है कि आप स्वस्थ रहें और निश्चंत बिकॉज कोरोना अब अपने अंतिम पड़ाव पे है तो दर्शकों जैसा डॉक्टर साहब ने खर्राटे की समस्या को दूर करने के लिए कारगर इलाज बताए हैं आप उन्हें आजमाइए और सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए एक ऐसा बदलाव जिससे आपका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बेहतर बन सके क्योंकि याद रखिएगा हेल्थ इज द रियल वेल्थ डॉक्टर साहब इतनी अच्छी जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जीतेश जी जो दर्शक हमें देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हम इसी तरह से आपको बीमारी से दूर करने के लिए एक दोस्त की तरह आपके साथ बने रहेंगे क्योंकि डी को परवाह है आपके स्वास्थ्य की हम लाए हैं सेहत आपकी नमस्कार